शरील की आई है वीडियो कॉल कश्मीर से। तो गाइस फाइनली जो है मैंने गाजर को कर दिया है साफ। तो गाइस ये हैं ड्राई फ्रूट्स, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज दिल्ली में धूप नहीं निकली है। और आज हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, वो शेड्यूल ये रहेगा कि आज है शहरी की छुट्टी, तो वही एज़ इट इज़ कपड़े धोना। फिर आज शहरी गाजर का हलवा बनाने वाली है और अभी वो बना रही है मसाले वाली पूड़ी। तो आज का ब्लॉग भी जो है वो इंटरेस्टिंग है, आप मज़े लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के ब्लॉग को। तो अभी आरुष ले आया है संतरा। क्या लेके आए हो ये गाइस? अच्छा गाइस कर दो, चलो गाइस मैं खा रहा हूँ संतरा, है ना? अच्छा इधर तो देख के हेलो कर दो। अच्छा हाय गाइस कर दो, गाइस। तो अभी आरुष खा रहा है संतरा और ये आरुष का फेवरेट फ्रूट है ना? आरुष आपका फेवरेट है ना? तो ये इसके लिए एक थम तो ज़रूरी है फिर। अंशा एक थम, यस। तो आज हमारे जीवन में रौनक आई है। बता क्या रौनक है? आज शेरिल की जो है वो छुट्टी है, तो शेरिल ने आज डिसाइड किया है कि वो बनाएगी आज मसाले वाली पूड़ी। तो अभी आटा गूंद रहा है, सारे मसाले इसमें पैक हो चुके हैं और थोड़ी देर में जो है मसाले वाली पूड़ी शेरिल बनाने वाली है। ये पूछो कि रौनक आई कितने दिन बाद है? हाँ रौनक पता नहीं मुझे, नहीं कि कम से कम 7 दिन बाद ऑफ मिला है। 7 दिन, 7 दिन बाद हमारी वेडिंग है, बर्थडे तो उसके बाद आज मिला। ओ माय गॉड, लंबी ड्यूटी के बाद ऑफ। आज मैं सोके भी लेट उठी हुई थी। अच्छा तो गाइस अभी आज जो है मॉर्निंग में मैंने गाजर भी ले ली है, लगभग 1.5 किलो गाजर है। और ये जो गाजर है गाजर ही है पूरा, देखो इतनी बड़ी बड़ी गाजर है, इसमें बहुत मोटी मोटी गाजर है। तो इससे आज बनाने वाली है शेरिल गाजर का हलवा। और अभी छुट्टी तो क्या ही है, आज मुझे पूरा शेफ बनाया जाएगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और अभी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें तेल डलेगा और इधर पूरी का जो आटा है वो तैयार हो चुका है। और ये खड़ी है देखो शेरिल हाथ में ब्रेड लेके और तैयार है। मैं हूँ शेफ आज की, मतलब रोज की ही होती हूँ, आज स्पेशल बनाऊंगी तो आज भी शेफ ठीक। अच्छा ये लो खा लो। तो अभी शेरिल ने पूड़ी का जो बेस है वो तैयार कर लिया और इधर तेल गरम हो गया है और उधर पर पक रही है चाय। पक रही है मतलब बन रही है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे रूम में जो है थोड़ी लाइट कम है, तो हाँ और गोदी माने के लिए कह रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो लाइट बढ़ेगी तो हमारी जो क्वालिटी है वो मोबाइल से थोड़े बेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि घर में तो मैं मोबाइल से बनाता हूँ, बाहर जब जाता हूँ तो कैमरा यूज़ करता हूँ। आरुष कह रहा है आने के लिए, तो आरुष गोदी में आ गया मेरी। अब बताओ क्या कह रहे थे आप, नाक में क्यों उंगली डाल रहे हो? कोई नाक में उंगली डालता है? अच्छा बच्चा हुँ? अभी इसने पता नहीं कहाँ से आदत सीख ली नाक में उंगली डालने की। माशा, हाँ माशा, माशा इन द बियर देखता है ये, उसमें जो है माशा नाक रहा है माशा। नाक में उंगली डालती है तो वहां से ही इसने सीखी। नाक वहीं से सीखी है ना आपने, वहीं से उंगली डालनी सीखी है ना? अच्छा आपने नया वर्ड्स क्या सीखा आज, वो बताओ नया वर्ड क्या सीखा, क्या सिखाया था मम्मी ने, जल्दी बता दो। या देखो वो देखो आपको कौन कौन देख रहा है। अभी हैंग ही हो गया। तो गाइस अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर एक बात आपसे बोलनी थी। पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ उसके बाद बोलूँगा। तो उधर तैयार हो गई है पूड़ी और शेरिल ने अभी जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। तो ये आ गया है अपना ब्रेकफास्ट और आरुष बैठा है उधर कर रहा है ब्रेकफास्ट। तो मेरे ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि ये रखी है चाय, ये रखी है चाय, ये रखी है पूरी और ये नैन्सी ने कल दी थी आलू बैंगन की सब्जी जो कि मैं अब खाने वाला हूँ। आपके क्या विचार हैं, आप भी खा रहे हो? ठीक है। अभी आरुष कर रहा है ब्लॉगिंग। अच्छा ये खाना दिखा रहे हो,
ठीक है। हाँ 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 ओके। अच्छा मेरे पास कहाँ जा रहे हो, मेरी जैकेट दिखा रहे हो? अच्छा गाइस मैंने जूते पहने हुए हैं। गाइस गाइस इधर लगी है मशीन। हाँ ये आरुष का कैमरा आ गया। देखो अभी आरुष ने भी जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो आरुष के जो है वो जेन्युइन व्लॉग्स होते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे एक बात बोलूँगा। बात ये बोलनी थी कि आजकल मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो फेक कंटेंट बना के और फेक थंबनेल बना के लोगों की मतलब अटेंशन गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो ऐसी ही बात है कि आप यूट्यूब पे अगर आए हो है ना, तो यूट्यूब पे आके आप जेन्युइन कंटेंट बनाओ हमारी तरह। क्योंकि देखो परेशानी अगर आप किसी के सामने रखोगे ना तो उससे क्या होता है कि ठीक है सब्सक्राइबर तो गेन हो जाएंगे बट ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है ना। कुछ सब्सक्राइबर आप गेन कर लोगे मगर कब तक आप अपनी मजबूरी दिखाओगे? तो मजबूरी दिखा के अगर आप किसी को सब्सक्राइब करवाते हो या फिर आप सोचते हो कि यार मैं अपनी मजबूरी किसी को दिखा के अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा लूँगा तो दैट मीन्स कि ये मेरे नज़रों में तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। आप अगर आप जेन्युइन कंटेंट बनाते हो ना तो ऑटोमेट क्या होता है कि यार लोग आपको पसंद करने लगते हैं। आप जैसे हो वैसे ही लोगों को रिप्रेजेंट करो, है ना। ऐसा कोई फेक, हम जैसे हैं क्या हमारे ब्लॉग में आपको कभी कुछ ऐसी फेक मतलब कुछ फेक ब्लॉग या फेक वीडियो आपको लगता है? हम जैसे हैं, हम जैसे रहन सहन करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, सेम ही शेयर करते हैं। हम लोग कुछ आपके कुछ लिए स्पेशल नहीं करते, स्पेशल नहीं करते। हम घर सही कर दें या बच्चे को सुंदर बना दो या अपने आप हो जाओ, जैसे हम घर में रहते हैं हम वैसे ही आपको दिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार लोग थंबनेल कुछ और लगाते हैं और अंदर उनके कुछ और होता है ना। और अगर आप उनको सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है वो अच्छे कंटेंट बनाते होंगे, पर जहाँ तक मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है तो क्या है कि यार वो अपना 24 घंटे वो जब भी वो नए वीडियो डालते हैं तो उसमें परेशानी कि मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करने जाता हूँ, मैं 10 किलोमीटर दूर जाता हूँ, मैं 50 किलोमीटर दूर जाता हूँ। ठीक है यार आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है ना। बट यूट्यूब पर अगर आप काम करने आए हो तो आप रियलिटी को प्रेजेंट करो ना कि फेक चीज़ को, है ना। तो इसलिए मेरे को ये बात करनी थी कि अगर वाकई में आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, है ना, हमारे ब्लॉग में कोई भी फेक कंटेंट हम लोग नहीं बनाते, तो वाकई में अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और मैं किसी चीज़ के लिए देखो मैं रिक्वेस्ट या गिड़गिड़ाना या अपनी मजबूरी दिखाना, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी परेशानी है और हर इंसान के साथ परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में कोई भी इंसान परेशानियों से फ्री है, है ना। हर एक इंसान के साथ जो है वो परेशानी है। बट हमारा मेन मोटिव यहाँ ये नहीं है कि पैसा बनाना। बहुत सारे लोगों का मोटिव है कि यूट्यूब पे आ जाओ लाखों रुपए बनेंगे और अपना टेंशन फ्री, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हमारा यूट्यूब पे आने का कोई ऐसा वो नहीं था, है ना। हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं बट उसके पीछे एक रीज़न है कि हम बहुत सारे लोगों को मदद करना चाहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल की जो है सपोर्ट से, है ना। आरुष को हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरुष को यहाँ मत दिखाओ, वहाँ मत दिखाओ, वीडियो में बच्चे को नहीं लाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नेगेटिव पार्ट है। हम जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वाकई में हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप देखते ज़रूर हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो वहाँ पर नीला कह रहा हूँ रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पर आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ ताकि जब भी हम लोग अपनी कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो अगर आप इस संबंध में कुछ सुझाव अगर मेरे को देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ये पार्ट मैंने सही कवर किया है या नहीं किया। बाकी शैरिल अगर कुछ बोलना चाहती है तो शैरिल कुछ बोल सकती है। मुझे स्पेशल थोड़ी ना बोलना है, नहीं आरुष का एक और चैनल भी है, दिल्ली का आरुष एक और चैनल है, उसमें आरुष के शॉर्ट्स आते हैं, आप उसमें आरुष के शॉर्ट्स भी देख सकते हो। हाँ उसमें आरुष के शॉर्ट्स आते हैं, आप वहाँ पे जाके जो है और इंस्टा पे भी फॉलो कर दो यार, जो सब्सक्राइब किया हुआ है जिन लोगों ने ब्लॉग्स विद आरुष सेम आईडी से इंस्टा पे भी है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। बाकी अभी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और शैरिल ने बहुत बेहतरीन मसालेदार पूरी बनाई थी जो कि मैंने सब्जी के साथ खाई है
और अभी दोपहर के लिए भी जो है एक्स्ट्रा पूरी बना दी है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच शैरिल को उसने अच्छा ब्रेकफास्ट कराने के लिए। यू वेलकम पति जी। हाँ तो अभी हम नहाए धोए कुछ नहीं है, शाम का कुछ थोड़ा मोड़ा प्लान है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल के चक्कर में हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे है ना। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर काम है तो ही जाएँ, अदरवाइज़ फालतू में इधर उधर ना हांटते फिरें है ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर काम है तो जाएं, अदरवाइज घर में रहें, सैनिटाइजर यूज करें और मास्क लगाएं। तो देखो आरुष ने गड़बड़ कर दी। हेलो गाइस कर दो। मामी की है, मामी की। वैसे आरुष ने अपने कैमरे से सारी चीज़ें कवर करी हैं अभी, बहुत सारी उसने, हमने ब्रेकफास्ट किया उसने तब भी अपने हाथ से कैमरा लेके, मशीन लगा रखी है तो उसने कैमरा लेके सारी चीज़ें कवर करी है, तो वो सारी चीज़ें दिखा रहा है अभी। वो हमारे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, आरुष की व्लॉगिंग। वो मिल जाएगी, आरुष का व्लॉग हमारे व्लॉग में चलता है साथ में। तो चलिए जल्दी से काम निपटाते हैं फिर। गाइस को बोल दो सब्सक्राइब करो गाइस। अच्छा बोल तो दो। अच्छा वो नेल पेंट लेके वो कैमरा बना रहा है, देख रहा है किस एंगल से मैं अपना शूट करूँगा। तो अभी शैरिल की आई है वीडियो कॉल कश्मीर से, और वो बर्फ गिर रही है तो वो दिखा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो यार टूरिस्ट आप लोग क्या कोरोना लेके आ जाएंगे, अभी टूरिस्ट मत बुलाओ। तो गाइस अभी मैं छील रहा हूँ गाजर, जो कि शैरिल बनाने वाली है गाजर का हलवा, और ये है हमारी छुरी जिससे हम अभी कुश्ती लड़ने वाले हैं गाजर के साथ। तो अभी मेरे को ये छील के उसमें रखनी है। बैठा है आरुष, गाइस कर रहा है। गाइस आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हा? आप क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? हाँ है अच्छा। तो अभी फ़िलहाल हमारी दो गाजर रह गई हैं काटने के लिए। तो गाइस फाइनली जो है मैंने गाजर को कर दिया है साफ़, ये देखो आप, और बस अभी इसे वॉश करनी है, वॉश करके इसको घिसना है। तो गाजर तो मैंने छील दी है, और सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो इसका होता है। खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, बट जब मेहनत लगती है ना तब पता चलता है कि काफ़ी मेहनत होती है एक अच्छे खाने को बनाने के लिए। तो ये हमारी घिसी हुई गाजर जो अब हलवे के लिए तैयार है। अब बाकी इसमें शैरिल देखेगी इसको आगे कैसे क्या करना है। देखो हम अच्छा खाना तो खा लेते हैं, बट हम कभी भी थैंक यू नहीं बोलते। या तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जाओ या कुछ अच्छा खाना खाओ तो उस इंसान को ज़रूर थैंक यू बोलो जिसने वो खाना बनाया है, या कोई भी अच्छी चीज़ बनाई है, चाहे वो घर की बात हो चाहे वो बाहर की बात हो। तो इससे क्या होता है कि उस इंसान को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। मैं पहली एडवांस में शैरिल को थैंक यू बोल देता हूँ, और हम डिनर में खाएंगे गाजर का हलवा। तो गाइस ये हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में क्या है कि इसमें किशमिश है, काजू है, बादाम है, और तो क्या फ्राई कर लिए थोड़े से। और ये शैरिल ने फ्राई कर लिए हैं, और इधर शैरिल ने जो है हलवा कढ़ाई में चढ़ा दिया है। हलवा नहीं, अभी तो गाजर ही है। अभी गाजर ही है। हाँ चलो वो तो बनेगा। और उधर गरी गोला रखा हुआ है, वो मैं अभी कसूंगी। हाँ और अभी ये है छोटी इलायची, और ये छोटी ये इलायची का पाउडर मैंने भी कूट दिया। अभी आ गए हैं लॉरेंस। हेलो। तो मिलके शाम को खाने वाले हैं हलवा। तो अभी शैरिल घिस रही है गरी गोला, और जब बचपन में हम मम्मी बनाती थी जब छोटे थे हम, तो ये अंदर का जो होता है ना इसमें पपड़ी सी, ये खा जाते थे हम। तुमने खाया कभी? कभी खाते थे। हाँ हम ये खा जाते थे, हमारी मम्मी चिल्लाती थी, कहती थी हलवे में क्या खाओगे फिर। हाँ वही तो, हम भी खा जाते थे बैठ बैठ के, खोया खा लेते थे, काजू बादाम सब ड्राई फ्रूट हम ऐसे खाने बैठ जाते थे। अच्छा मम्मी कहती थी ऐसे खा लो तुम, और गाजर कच्ची खा लो।
हलवा बन जाएगा तुम्हारे पेट में जाके। तो गाइस फाइनली जो है गाजर तो अभी आ गया है फूफ जो है आरुष खाने वाला है, और थैंक यू वेरी मच अच्छा हलवा खिलाने के लिए। नहीं बनाने अभी तो खाया ही नहीं है, अभी तो खाया ही नहीं है आपने, मतलब अच्छा हलवा बनाया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो करते हैं एंड। मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना है, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। तो चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का यूज़ करो, टेक केयर, बाय बाय।